दुनिया में 10,000 करोड़ गैलेक्सियां हैं भाईजान। हाँ तो, और हर एक के अंदर 20,000 करोड़ तारे, और हर तारे के चारों ओर न जाने कितने ग्रह। अरे मुद्दे की बात करो ना यार। मुद्दा ये है कि आप लोग कहीं भी जा सकते थे, लेकिन नहीं, आपको तो यहीं पैदा होना था। मुंह संभाल के बात करो भाई साहब, ये जमीन हमारी है। बताएं किसकी जमीन है भाईजान। ऐसी नफरत से भरी आवाजें सुनकर आप डर गए होंगे। भाई आपके यहाँ तो बहुत प्रेम और भाईचारा है, लेकिन दुनिया के एक कोने में एक ऐसी जगह है जहाँ पर मारकाट, लड़ाई झगड़ा रोजमर्रा की आम बात है। दुश्मनी ऐसी कि कभी भी गोली चल जाए, कहीं भी बम फट जाए। शायद इसीलिए इस जगह का नाम पड़ गया है बैंगिस्तान। ये देखिए, उत्तर बैंगिस्तान के ऊंचे पहाड़, ये जो भाईजान भाईजान करके अपनापन जता रहे थे ना, यहाँ उनका घर। इतनी ठंड है कि हड्डियां जम जाए, लेकिन खून गर्म ही रहता है इनका। और जो भाई साहब करके प्रेम दिखा रहे थे ना, वो यहाँ दक्षिण बैंगिस्तान में रहते हैं। सफेद कबूतर बहुत है यहाँ, शांति के प्रतीक, पर अफसोस शांति नहीं है। लेकिन इन सब के बीच में दो ऐसे दोस्त भी हैं जिन्हें आज भी उम्मीद है कि अगर मिलकर कोशिश की जाए तो यहाँ भी अमन और भाईचारा कायम हो सकते हैं। हम उन्हें शंकराचार्य जी और इमाम साहब के नाम से जानते हैं। हमें अकेला छोड़ दीजिए। जी इमाम साहब। अरे इमाम साहब, आपके लिए पूजा बीच में छोड़ी जा सकती है, बताइए। दंगों के बारे में तो आपने सुना ही होगा। हाँ इमाम साहब, धर्म के नाम पर आपके यहाँ भी लोग भटकाए जा रहे हैं और हमारे यहाँ भी, अब कौन समझाएगा? आप और हम समझाएंगे। अगर आप और हम साथ मिलकर अमन की बातें कहेंगे तो जरूर सुनेंगे। कुछ ही महीनों में पोलैंड में वर्ल्ड रिलीजन्स कॉन्फ्रेंस होने वाली है, अगर वहां हमारी ये बात कही जाए तो। इससे बढ़िया जगह और कहां हो सकती है? तो इस बारे में एक प्रपोजल तैयार किया जाए और ये प्रपोजल उन तमाम लोगों को भेज दिया जाए जो इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले हैं। बिल्कुल कीजिए। बाकी सब का तो है, आपके पास नए वाले पोप जी का ईमेल आईडी तो जरूर होगा। अरे आप अभी तक ईमेल पर अटके हैं इमाम साहब, पोप जी तो मुझे ट्विटर पर फॉलो करते हैं। डायरेक्ट मैसेज पर बातचीत होती है हमारी, आप भी एक अकाउंट खोल दीजिए, नहीं तो पीछे रह जाएंगे। आपको हुक्म सर आंखों पर। Good evening, Thomas, Allison, hello, Jenny. Have a good day, sir. जलील आदमी लाइन मार रहा था, तू उन लपेटना। चलो आज का कोटा पूरा। Okay, thank you. आदम भाईजान, अब से कितनी बार कहा यहाँ पे फोन मत किया करो, यहाँ से बाहर कॉल कर सकते हैं। No personal call. नहीं सकते। Focus. हाँ बिल्कुल, मैं मिटी वक्त पे पहुँच जाऊँगा। Harold. Thank you.
Hello. Hello. May I speak with Catherine Polanski, please? Yes. Good afternoon. This is Harold, calling from Dream Savers Personal Loan Company. We provide loans for all your needs, ma'am. My needs. Do you have any? Oh, yes, I have needs. Please tell me about them, ma'am. I feel lonely. Do you understand? No, ma'am. I'm never lonely. Dream Savers is an MNC, you know. Give me the phone! Hello? Are you there, ma'am? Hello? Who is this? Who's this? This is Polanski. Now, who the hell is this? Sir, I was just asking ma'am if she's interested. Interested? You punk! What is your name, you telemarketing pig? Harold. Tell me your real name. Hafiz Bin Ali, sir. Hafiz Bin Ali. You are flirting with a terrorist. Andre, he's not a terrorist. He's just a... Shut up! Listen to me. You mention ma'am once more, and I will personally send a drone to Afghanistan to blow you. I mean, to blow you up. Sir, there has been a miscommunication. I'm from Bangistan. Nonsense! Remember what we did to Osama bin Laden? Remember? I'm going to ask Mossad to do the same to you. I have them cut your head off and eat your eyeballs straight off the barbecue. Terrorists! Thank you, sir. Have a good day. We're always here to serve you. ये बेइज्जती कब तक चलते रहे जनाब? मतलब मुसलमान है तो दुनिया गाली देती रहे? क्लाइंट को कैसे पता चलता है कि तुम मुसलमान हो? अपने एक्सेंट पे काम करो हैरल्ड। मैंने काम के लिए नाम और आवाज बदले है, मजहब नहीं। मैं मुसलमान था और मुसलमान रहूंगा। छोड़ रहा मैं नौकरी। हैरल्ड, हैरल्ड, डोंट गेट इमोशनल मेट। गुरुजी ये लीजिए, चार लाते हैं। सब बर्बाद कर दिए शंकराचार्य। दंगों का माहौल इलेक्शन तक गर्म रहता तो इस बार माके दल की सरकार पक्का बनी जाती। दंगे तो हो जाएंगे गुरुजी, इलेक्शन पे फिर दो चार घर जला देंगे, क्यों? अरे तुमसे ना हो पाई, कम से कम 10-12 घर तो जलाओ। चुप, टुच्ची सोच। लेट्स गो इंटरनेशनल, दसमन से कुछ सीखी कैसे सारी दुनिया में छाया हुआ है, लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस। हमें इस कॉन्फ्रेंस में धमाका करना होगा। 100 सीट करनी है तो स्ट्रेटेजी बदलनी होगी, बलि देनी होगी। बलि? जब अपनी कम्युनिटी का कोई जान देगा तो क्या होगा? क्या होगा? दर्द होगा, हो ना? दर्द के आगे डर है और हम उस डर को कैश करेंगे। लोग जब डरते हैं तो सुरक्षा ढूंढते हैं, है ना? वो सुरक्षा उन्हें कौन प्रदान करेगा? है कौन? माँ का दल। हम लोगों से कहेंगे कि हमें मजबूत बनाएं ताकि उनके बच्चों को अपने अधिकारों के लिए मरने की जरूरत ना पड़े, और इसके लिए हम कुछ भी करेंगे। कोई हमें रोक के दिखाए, हम खून की नदियां बहा देंगे। गुरुजी ये तो बहुत बड़ा गेम है। हाँ, ये गेम नहीं है बेटा, राजनीति है। वह ना मोहल्ले का हीरो, कब से पार्टी की सेवा करना चाहता है, करवाइए। जंग का बसान हुई सीता तेरे लिए, रोज सुबह शाम हुई सीता तेरे लिए। जय हनुमान, जल्दी आओ आओ लक्ष्मण के पार बचाओ। ये चले हनुमान सुमेरु पर्वत पर संजीवनी बूटी लेने के लिए। जाओ हनुमान जाओ, हनुमान आओ बचाओ। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
कैसा रहा भैया? रहा कैसा रहा? सबको मुफ्त में रामलीला दिखा रहे, पर भी पंडाल में इतना आदमी नहीं था जितना कि स्टेज पे था। बस एक बार सुपरस्टार बन जाए फिर तो टिकट खरीद के देखने आएंगे लोग हमको। हाँ हाँ, दंगों की वजह से वैसे भी आजकल पब्लिक थोड़ा कम ही आ रहा है। दंगा नहीं, बदला लिए हम लोग इस बार। साला हर बार की तरह इस बार भी चुप्पी मार के बैठ जाते क्या? अरे कैसी बात कर रहे हो भैया? तो कैसे करे बे, ये सारे हमारे घर में रहते हैं, हमारा खाते हैं और हम ही पे राज करते हैं। सरकार इनका सोचती है, मीडिया इनका सोचती है, हमारा कौन है बे? यदि ऐसे ही चलता रहा ना तो हम बता रहे हैं एक दिन आएगा जब हम लोग की संख्या कम होगी। अबे तो अच्छा होगा ना, संख्या में कम हो गए तो सरकार तुम्हारा ही सोचेगी। अरे सर तो 10 है तुम्हारे, पर बुद्धि की भी नहीं। और तुम्हारी बुद्धि वो गुरु भ्रष्ट कर दिया है। गुरु जी के बारे में एक भी बात गलत बोले ना तो सर फोड़ देंगे। पगला गया क्या बे? अबे उस ढोंगे गुरु की बातों में आके बोरा गया लल्ला। अरे जाए तो भैया, अरे छोड़िए, अरे छोड़िए, गुरु जी को खाली देता है लत कौन? गुरु जी के लिए हम जान ले भी सकते हैं, जान दे भी सकते हैं। देवता वो देवता, रावण साला। चलो हातिम भाईजान, अब यहाँ मीटिंग होने से रही, अब्बा जान ने कोई नई जगह देखी है। पर मीटिंग है कहाँ? अरे चलो, यहाँ आओ भाईजान। बाद में बैठ, पले जाओ, मेरे लिए बिग पैक लेकर आओ। लग जा लाइन में बेटा। दो बिग पैक यही खाएंगे या पढ़ने के? दो कब? दो सर, तारा दो भाई, जल्दी काफी दो। हाँ हाँ भाईजान, अभी दे रहा हूँ, अभी दे रहा हूँ। भाईजान हमारा फ्राइज जल्दी करना है, थोड़े हरारा चटनी भी बंदूक काउंटर से हटाइए। दो फ्राइड चिकन। अब्बा जहाँ से कहेंगे कि अब सारी मीटिंग्स यही करें। हाँ यार, मदरसे में कुछ नहीं रखा है। ये ले पकड़, पोस्टर देगा। घटिया ब्रांडिंग करा ली भाई जान इसने, इससे बस गोरों की गुलामी करवा लो। हेलो हेलो, ट्रेंड ट्रेंड, मजहब के लिए कुछ करना हो ना, काम चोरी। ओमार तू बर्गर का बर्गर आप मुझे हफीज ही बुलाया भाईजान, और वो नौकरी में छोड़ चुका। नौकरी तूने नहीं छोड़ी है हफीज, अल्लाह ने छुड़वाई है। अब वक्त आ गया है कि तू इन लोगों के साथ दिल लगाकर सिर्फ अलकाम तमाम के लिए ही काम करे 24/7। अब्बा जान, ये क्या खाक काम करेगा अलकाम तमाम के लिए? पोस्टर बनाने को कहा था, गरीब चुड़ैल बना दिया आपको। देखो अलकाम तमाम गलती इसकी नहीं है जुल्फी बेटा, ये कॉल सेंटर वालों ने हरोल्ड हरोल्ड करके इसका ब्रेन वॉश कर दिया है। ये सब अमरीकी प्रोपगंडा है मेरे बच्चों, अमरीकियों ने आज तक दुनिया को दिया ही क्या है। मर्दूस, फिर से रेगुलर बोला था ना डाइट। अमरीकियों की फितरत में ही है धोखा देना। मार दिया ना उसामा भाईजान को इन कमीनों ने,
मौका है अलकाम तमाम को अलकायदा से बड़ा करने का, उसामा भाईजान की जगह लेने का। आप बताइए क्या करना है। हे गुरुजी, हे गुरुजी, जीवन हो या मरण हो बस उनकी ही शरण हो, हम तो चले उनसे मिलने जो कि हमरे गुरु जी है, प्रीत लगा ली है हमसे जो कि हमरे गुरु जी है। स्वीकार करें गुरुजी। जन्म सफल हो गया हमारा, क्या पार्टी खड़ी किए हैं आप। माँ का धन, हम तो मात्र संस्थापक हैं प्रवीण, और फिर कार्यकर्ताओं से ही तो पार्टी का श्रृंगार है। आप बोलते हैं तो फूल झड़ते हैं भगवान। 6 सितंबर 1992 सुने थे तुम है? राष्ट्र निर्माण, हिंदू एकता, बेला कमल गेंदा चंपा चमेली, फूल है अनेक किंतु माला फिर एक है। उसे सुना था तुम हमको। 6 सितंबर, 27 फरवरी 2002, 8 अप्रैल 2006, 29 दिसंबर 2008, हर बार सुने हैं हम आपको। घोर पराक्रम आपके शब्दों में, वीर रस से भरे, सीधे बाण की तरह जाके हृदय में छुप जाते हैं, लोगों का रक्त खौलने लगता है, बुझाएं फड़कने लगती है, दिमाग कटना जाता है। अरे गुरुजी, हम तो जब जब आपका भाषण सुने हैं तब तब 3-4 दुश्मन होता है, ये आज आज के मारे हैं। अरे गुरुजी मिल गया लंडा। अबे इनसे ना हो भाई, 3-4 तो मारे हैं। अबे अबे गुरुजी ढूंढे इसे, पार्टी संकट में और ई लौंडा बचाएगा हमें। गुरुजी तो क्या हम संकट में हैं? दुश्मन के गले लग रहे हैं इमाम साहब, हम मुसलमान भाइयों की कुर्बानियां बर्बाद कर रहे हैं। अमन के कबूतर उड़ाने चले हैं। आओ 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 आओ, अब बोलिए तो सही गुरुजी, आपकी सेना आपके लिए खड़ी हो जाएगी। आओ, ये युद्ध हमें सेना से नहीं षड्यंत्र से जीतना होगा। लेकिन अब्बा जान, कुरान में तो लिखा है कि सबको अपना भाई समझो, और हम तो सबको भाई समझ लेंगे हफीज, कोई हमें भी तो समझे है? तो कल कैसी रही रामलीला प्रवीण? बढ़िया रही गुरुजी। कितने आदमी थे? तुम्हारा जन्म तो बड़े कर्मों के लिए हुआ है प्रवीण चतुर्वेदी, और आज मां के दल को आवश्यकता है तुम्हारी पावर में आने के लिए। विदेश जाओगे? विदेश? पोलैंड। एक खूबसूरत शहर है क्राकाओ, वहां भय की स्थापना करनी होगी। तुम में से किसी एक को कुर्बानी देनी होगी, बलिदान देना होगा तुम्हें, तबाही बचानी होगी। सिसाई बम। गुरुजी बम? ये तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा और आखिरी परफॉर्मेंस होगा। कुर्बानी कौन देगा यार? बस यूं समझो कि जन्नत के दरवाजे की चाबी में से किसी एक के हाथ लगने वाली है। वहां होंगी चांदी के वर्क में लिपटी लजीज मिठाइयां, सोने की रेत से भरे रेगिस्तान, और उसमें उल्हे मटकाती 1001 ऊंटियां, 51 अरबी घोड़े, 72
खूबसूरत हूरे, बेपनाह हुस्न वाली। या अल्लाह, बेटा सबर कर, कहीं मैं न चला जाऊं। और इस मकसद के लिए हमने चुना है हफीज बिन अली को। आज्ञा करें। जय माकदल। हफीज मियां को कुछ सोच समझ के ही चुना है हमने। अंग्रेजी बोलता है, रोज विदेश बात होती है इसकी। और दाढ़ी देखो इसकी, तुम सब में सबसे लंबी है। दाढ़ी में बांध कर बम फोड़ना क्या बाजार है? दाढ़ी लंबी है, अभी बताते दाढ़ी किसकी लंबी। इधर आ बे, इधर आ तू। हफीज संभाल लेगा वहां पे। क्यों हफीज बेटा? जी अब्बा जान। हफीज मियां, ये लीजिए, बस यही मिली लाइब्रेरी में। 200 साल पहले गोरे लिख के छोड़ गए थे दुश्मनों के बारे में, मैं उठा लाया। अब्बाजान, माफ कीजिए, लेकिन इस वक्त हमें कुरान नहीं पढ़ना चाहिए। इसे तकिया कहते हैं बच्चे, मतलब अगर मौत बेहद करीब है तो दुश्मन को हराने के लिए दुश्मन की तरह बन जाओ। बाकी कॉन्फ्रेंस में बॉम्ब तो तू एक पक्का मुसलमान बन के फोड़ेगा। इंजीनियर ना बनूंगा ना डेंटिस्ट बनूंगा, मम्मी मुझको तेरी कसम टेररिस्ट बनूंगा। ओ मित्रा ओ बंधू, छीनू मैं सबकी सांस, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। होगी क्रांति, होगी क्रांति चारों ओर आखिरी दिन। होगी क्रांति, होगी क्रांति, होगी क्रांति चारों ओर आखिरी दिन। अध्याय 16, शिवों के लिए दया क्षमा प्रेम। आयत 224, इंसान से मोहब्बत, सबके लिए भलाई। अरे अपना एक ही मकसद, सबकी बर्बादी है, अपना रोल मॉडल हर आतंकवादी है। हम टेररिस्ट ही जीतेंगे, अपने संग है इतिहास, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। होगी क्रांति, होगी क्रांति, होगी क्रांति चारों ओर आखिरी दिन। प्रवीण, ये क्या चल रहा है? तुम तो हमारे दल का डंका बजाने निकले थे और तुम्हारा धर्म परिवर्तन हो रहा है। गुरुजी, गच्चा खा गए ना? मामा मरीच। मामा मरीच? रामायण नहीं पढ़े आप लोग? अरे क्या मेकअप किए थे मरीच मामा, सोने की हिरन बनके पूरी रामायण की डायरेक्शन ही चेंज कर दिए। ऐसे ही हम भी भेष बदल के सबको चकमा दे देंगे, इसे कहते हैं मेथड एक्टिंग। भाई भगवान ना करे बॉम्ब फोड़ने से पहले हम पकड़े गए तो कोई आप पर संदेह नहीं करेगा और माँ का दल सुरक्षित रहे। बस एक बार ये रंगमंच खून से रंग ले, फिर गिरा दीजिएगा पर्दा, बुझा दीजिएगा हलोजन। हमारा फिल्म फेयर तो हमें मिल ही चुका होगा। जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। दिन है काला और काली सी रात देखेंगे,
हारे सरवा दुश्मन की औकात देखेंगे। अब बुझेगी लहू से ससुरी इन्फिनिटी प्यास। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। होगी क्रांति, होगी क्रांति, होगी क्रांति चारों ओर आखिरी दिन। होगी क्रांति, होगी क्रांति, होगी क्रांति चारों ओर आखिरी दिन। अरे हो गया तुम्हारा, मोटी आवाज और लंबा कद होने से हर आदमी अमिताभ बच्चन नहीं बन जाता, और वैसे भी रामला में बंदर बनने के लिए कोई हुनर हुनर नहीं चाहिए। जल्दी करो। अब बस भी कीजिए, आप तो है ना बच्चों के पीछे ही पड़ जाते। पीछे न पड़े साहब, आज विदेश यात्रा पे जा रहे हो, कल बताएं, वहां पहुंच के बता देते भाई। और वैसे भी इनके लिए तो सराय है, है? चाचू चाचू आप हमारे लिए ये सामान ले आना। हाँ गुड़िया। थैंक यू चाचू। हाँ ठीक है ठीक है ठीक, जल्दी लौट आना। मैं तो सब ठीक तो है ना बेटा? अपना ख्याल रखना अम्मा। आओ मेरे अब्बा जान, कसम खाओ आप देखोगे नहीं। अच्छा क्या हुआ बच्चन? दुश्मन मरहबा। मरहबा, जब मैं तुझे नहीं पहचान पाया मेरे बच्चे, तो दुश्मन क्या पहचानेगा? तो अलकाम तमाम की बुनियाद रखने जा रहा है। सारी हेडलाइंस में दूंगा मैं अपना पैगाम, मुझको दुनिया जानेगी और होगा मेरा नाम। परियां होंगी हूरे होंगी मेरे आस पास, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। होगी क्रांति, होगी क्रांति, होगी क्रांति चारों ओर आखिरी दिन। होगी क्रांति, होगी क्रांति, proszę wszystkich pasażerów posiadających karty pokładowe, prosimy o zgłaszanie się do punktów kontroli bezpieczeństwa. Ma'am, could you step out of the line, please? We're gonna need to ask you a couple questions. You too, sir. Sir? मैम, आई अल्लाह रखा, फुल फैमिली मुस्लिम बाय बर्थ। पासपोर्ट प्लीज। मैम प्लीज चेक, माय नेम इज खान, अल्लाह रखा खान। सर स्टेप आउट ऑफ द लाइन प्लीज। कीजिए भाईजान कीजिए भाई, हम लोगों की चेकिंग तो जरा ढंग से ही होनी चाहिए। भाईजान मैं तो कहूंगा कि आप कोई कसर बाकी ना छोड़ें। भाई हम लोगों की तरफ दुनिया में इतनी उंगलियां उठ रही हैं, आपका फर्ज बनता है अपना शक दूर करें। क्यों भाईजान, सही बोल रहे हैं ना? बिल्कुल गलत कह रहे हैं भाई साहब। भाई
मुसलमान के इंसान नहीं होते? May I see your passport, please? Ishwar Chand Sharma. Okay. Welcome to Poland. You may proceed. No, I will not proceed. This is unfair. Why only a Muslim brothers? Everybody should be checked as thoroughly as this. Sir, we just need to be more careful these days, you know? The checking is purely random. Random? My foot! Arey, bhaijan, aap pareshan na ho. Janab, aap kare apne dil ki. You do me right now. Main toh kehta hoon, Hinduon ki bhi checking honi chahiye. Nahin, bhaijan. मुसलमानों की चेकिंग पहले होगी, पहले हिंदुओं की, मुसलमानों की, हिंदुओं की, मुसलमानों की, और मैं तो कहता हूँ कि आप आगे से हम लोगों की चेकिंग इसी तरह दिल और कपड़े दोनों खोल के। ऐसी बात है तो हिंदुओं की चेकिंग भी ऐसी होगी। कुकुल रीत सपोर्ट के लिए आई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। आज से सारे मुसलमान आपके देश में पूरी चेकिंग करा के घुसेंगे, हिंदू भी घुसेंगे। ईश्वरचंद्र शर्मा तमी मुसेम यार तमीम भाई तो आप मुसलमान हैं ना हम फॉरेनर हैं गोरा गोरा 15 साल हो गए हम बांग्लादेश से इधर आया सिटीजन हुसैन हमारा कार्ड रखो कोई प्रॉब्लम हो कॉल मी तो दादा पोलैंड में कैसे ओ, स्वर्ग की खोज में स्वर्ग हम तुमको दिखा Karolinka, do Gogolina, poszła Karolinka, do Gogolina, a Karliczek za nią, jak za młodą panią, z flaszeczką wina, a Karliczek za nią, jak za młodą panią, z flaszeczką wina. Oj, dawa! Ty za te? 50 दो 50 50 अरे टैक्सी में तो डबल देता लॉगेज का अलग हाँ हम भला आदमी ऐसे तुमको डिस्काउंट देता है दाओ 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 दस तो दस टीप टीप इधर टीप देना पड़ता है पांच अरे जनाब आप भाई साहब अरे बाबा इतना सरप्राइज क्यों रह रहे सब ब्राउन गरीब थर्ड वर्ल्ड कंट्री के आदमी लोग ना सब इधर ही सेटल होता है अरे भाईजान इधर ही आ रहे थे तो पहले बता देते साथ में आ जाते और वैसे भी एयरपोर्ट पे तो खुल के जान पहचान हो गई हमारी Zindobri, zindobri, Mr. Wildfry. Due to customers in one day, Galian. Huh? You lucky old Pomerian Wildfry! It's Wilfred, Tamin. Ishwachandra Sharma, your new tenant. No wild behaviors. No tea leaves, that's outside the rooms. No betel leaves, pan. No spitting on the walls, no pissing on the streets, no animals. No goats, no lambs, and no camels. Goat, lamb, camel? No, sir. I drink only mother's milk.
मतलब काउस मिल्क। क्यों भाईजान? 200 zloty advance. Yes, yes. Please show them their rooms. And Tamin, tell them that I don't want a single scratch in the apartments. Not one scratch. Here are the keys. And your tip. $200. It is very cheap. Assalamu alaikum. बकरा मिल गया, इसी के यहाँ छुपेंगे। Have fun. चलिए भाईजान, फिर पता नहीं कब मुलाकात होगी। तो कैसा लगा? टॉप क्लास है, बढ़िया। ए तुमको बहुत ऑलराइट डील मिला है, पता है? यू लकी डेविल, इतना पैसा में क्राको में डुप्लेक्स, फॉरगेट इट। डुप्लेक्स? आता 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 दाना ऊपर। एंजॉय योर स्टे, हैव अ गुड वन। ये थोड़ा ध्यान से अंदर मत चला जाना। खबर सुना? तुम्हारा सोसाइटी में एक आदमी निपट गया, हिंदू था। हिंदू तो मतलब हिंदू? तुम हिंदू नहीं है क्या? हा? देखो यही मौका है, हैं? थोड़ा मेलजोल बढ़ाने का, कंधा उंधा देने का, भला होगा। नहीं, मैं वो कुछ जरूरी सामान लाने बाहर जा रहा था। हमको दो, हम लेके आता है, सर्विस चार्ज लगेगा बस। नहीं, ये सामान लाने मुझे ही जाना पड़ेगा। तो बाबा बाद में जाना ना। देखो कल को अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो अपने लोग काम आएगा ना। ऑलराइट। ओम ब्रह्मादयः सुरः सर्वे ऋषयः सनकादयः आगच्छन्तु महाभागः ब्रह्मांडोदरः वर्तिनः। हरि ओम जजमान। हरि ओम। ये श्रद्धा, कौन कहता है कि कलयुग आ गया है, मरने वाले की आत्मा को शांति मिल जाएगी। देवता हूँ भूषणिनाय ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम शांति शांति शांति।
पंडित जी अर्थी उठवाए। हाँ कुछ भी कहो भाई साहब, ये विदेशी लोग टेक्नोलॉजी के मामले में हमसे बहुत आगे। अब आप खुद देख लो, ना कोई पोल्यूशन ना कोई झंझट, और काम भी एकदम फास्ट हो गया। नहीं भाई साहब, लकड़ी वाली चिता की बात ही कुछ और थी। एक कायदा होता है, रीति रिवाज से काम होता है। पंडित जी आइए 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 आइए। पंडित जी आप भी किन लोगों के मुंह लग रहे हैं, इन्हें कोई समझ है संस्कृति की सभ्यता की? अतर में कहीं के पंडित जी, मेरा आपसे एक अनुरोध है, आज का संस्कार आप ही करवाए। माता जी को बुलाइए। जी जी। ये क्या माता जी, अब तो तैयार नहीं हो? क्या तैयार होना, पति तो रहे नहीं और इनकी उम्र भी तो देखिए। क्या बात कर रहे हो पंडित जी, अब माता जी पूरा श्रृंगार करके ही सती होंगी ना, कि ऐसी बैठ जाएंगी सती। ये देखिए इसमें तो माता जी को बहुत तकलीफ होगी, दो लोगों के जाने की भी जगह नहीं है। अब लकड़ी वाली चिता होती तो माता जी आराम से चिता पर बैठकर सती हो जाते। मैं माता जी को बिठाता हूँ, आइए माता जी। भाई साहब जरा हाथ देंगे, हटिए पंडित जी, बीच में मत आइए। माता जी एक पैर यहाँ पर, लंबी सांस लीजिए माता जी। देखिए पंडित जी आप विश्राम कीजिए। मैं माता जी आप ऐसे बैठिए, मैं करता हूँ ना। ओम प्रचाय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम अनंताय नमः। कलयुग सच में आ गया। अरे भाईजान किधर? मंदिर से आ रहा भाईजान, हाथी ढूंढ भी लिया। अब मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मुझे एक फोन करना है। अरे मुझे भी करना है, चलो शादी में चलते हैं। नहीं मैं कपड़े तो पहन लूँ थोड़ा। अरे कमाल करता है, ये हमारा जैकेट ले लो, हमारे पास तो दो हैं। इसकी जरूरत नहीं है, पहन के गर्म भी कर दिए। मेरी बात तो सुनिए। अरे कमाल कर दो भाईजान, क्या बढ़िया लग रहे हो, ताजा बैंगन की तरह। बैंगन उस धोती का तो भरता हो गया। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जान। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अरे मजे में गुरुजी, बहुत ही बढ़िया शहर है। तो अब तक शहर ही घूम रहा है? वो कहीं फंस गया था मेरी सोसाइटी में। वो हफीज तू आ किसी की शादी में नाचने नहीं गए? बक बक कमा बच्चा। अरे आप चिंता ना करें गुरुजी। गुरुजी बम के बारे में पूछिए, बम के बारे में। बेटा सामान ले आया? हाँ बस वही लाने जाना था। अलकाम तमाम का नाम तू ही रोशन करेगा। अरे आपका आशीर्वाद रहे तो पूरी दुनिया जानेगी एक दिन माँ के दिल का नाम। खुदा हाफिज अब्बा जान। हफीज जय माता दी अब्बा जान। खुदा हाफिज। हैं? अरे गुरु जी एक सच्चे कलाकार को अपना करेक्टर कभी नहीं भूलना चाहिए। चलो जीते रहो, जीते रहो, चलो संभाल के बेटा, संभाल के, संभाल के। नहीं हो रहा है। मिस्टर मिसाइल बॉबिट्स्की? या मिकाल बॉबिट्स्की। आई एम ईश्वरचंद शर्मा, आई एम हियर टू बाय अ बॉम्ब। दे आर लिसनिंग। सो यू आर हियर टू बाय पोटैटोस? व्हाट? Our potatoes are the best, Mr. Sharma. We export to every part of the world. Hello, me, Allah Rakha Khan, you
वैंग चैंग पिंग। जह नसीब अल्लाह रखा मियाँ, बेहद खुशी हुई आपसे मुलाकात करके। उम्मीद है कि हमारा ये गरीब खाना आपको ढूंढने में कोई दिक्कत हासिल नहीं हुई। नहीं नहीं, पर आप उर्दू बोलते? देखिए जनाब, हर कस्टमर की जुबान तो आनी ही चाहिए। मिस्टर बॉबिट्स्की, आई डोंट वॉन्ट पोटेटोज, आई एम हियर फॉर अ मिस्टर शर्मा। यू वॉन्ट पोटेटोज? Welcome to Area 52. Wow, Mr. Babitsky. Russian. Bhaijan, I need... Relax. They can't hear us here. Have a look. Witamy u pana Michała Bobickiego. Swagat hai aapka Michał Bobicki ke Bombs and Roses mein. Ekdam hila ke rakh de. Kya aap chahte hain? Kaisa bomb jo aapki sari zaruraton ko pura kare? Aaiye, aapki talash khatm hoti hai yahan. सैंडी, अपनी तारीफ हम अपने मुंह से क्या करें? आइए देखते हैं कस्टमर्स क्या कहते हैं। महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, सन 99 की बात है। चुप कर। मैंने बॉम्ब लिमिटेड से एक सुसाइड बॉम्ब खरीदा, मिशन हो गया फेल, मेरा एक ही हाथ उड़ा। चाय पियो। एक सैंपल तो दिखा देते। यही फटोगे कि बाहर है? बीवी के लिए साड़ी खरीद रहे हो, जो तुम्हें सैंपल खोल कर दिखा दें? बरखुरदार ह्यूमन बॉम्ब लेने के लिए आए हो, सैंपलिंग कैसे करोगे? नहीं, लेकिन चचरान, अगर बॉम्ब फटने की चिंता मत करो, मेड इन चाइना। और आजकल तो हमारे मोबाइल फोन भी फट जाते हैं। चचरान, ये तो संतरे का जूस लग रहा है, इससे बम फटेगा? चाइनीज बरखुरदार, लुक पर मत जाओ, परफॉर्मेंस देखना, जी थड़े उड़ा देगा। यहाँ फुलझड़ी की कीमत में बॉम्ब ले जा रहे हो, ऐसी कुत्ती डील कहीं और मिलेगी तुम्हें? अगर मैंने अपने भाई की बात मानी होती और सस्ता बम ना लिया होता, तो आज मैं भी उसकी तरह शहीद होता। सुना तुमने सिंडी? हाँ टॉम। तो अभी ऑर्डर कीजिए, कीमतें आपकी स्क्रीन पर है। मिस्टर बॉबिट्स्की, या डू यू हैव एनीथिंग चीप? हाउ मच मनी डू यू हैव? चाइनीज लोग झुकते नहीं, ये झुकने का काम साला जापानियों का है। यो नो,
कहो। कितनी बार समझाया है फिर भी मानते नहीं। आरडीएक्स का बॉल बनाकर खेल रहे हैं। और ये लो बम बनाने की तरकीब भी। For such an amount, you may have this potato bomb, my friend. And with it, here is a copy of Bomb Making for Dummies. Thank you, Mr. Bobinski. Yeah. खासाब, खासाब, ये जो दाढ़ी आपने बड़ा रखी है ये थोड़ी छोटी नहीं है? वहां दाढ़ी है कैसे भी रख लो, मधुमक्खी का छत्ता होना जरूरी है क्या? और वैसे भी दाढ़ी बढ़ाने से ऐसा क्या उखड़ जाएगा भाई? मतलब जिहाद चला चला के कोई असली मुसलमान हो जाता क्या? एक मुसलमान होकर आप ऐसी भाई जान मुसलमानों की बड़ी टेंशन लेते आप। वहां एयरपोर्ट पे बीमार से नंगे हो गए थे। अमां हिंदू हो हिंदू की तरह रहो ना, मुसलमान लोग अपना देख लेंगे। मिल गया। और सुअर इसी जगह की बात कर रहा था वो बड़ा वाइल्ड फ्राइड। पीने पिलाने की जगह लग रही है भाई साहब। तो क्या हो गया? एक सच्चे मुसलमान का बार में क्या काम? शराब तो आपके धर्म में हराम है ना? अरे आप ले लीजिएगा। नहीं नहीं, मैंने आज तक शराब को कभी हाथ भी नहीं लगाया। ऐसी पवित्रता भाई जान, भाई भूख बड़ी लगी शर्मा जी, अब चलो। भाई साहब ये कैसी जगह है? बुढ़ाओ ने मतलब बाहर से होलिया बदल दो तो पता ही नहीं चलता अंदर क्या। कैसे मुसलमान है आप? एक तो आपको यहाँ पर इतना मजा आ रहा है, बाहर भी आप जिहादियों को गालियां दे रहे थे। अरे इतने सालों से आप लोगों पर जुल्म हो रहा है। कुरान कहता है। क्या कहता है कुरान? कुरान जिहाद की बात करता है। क्या है जिहाद? जिहाद वही जो जिहादी करते हैं। क्या करते हैं जिहादी? जिहादी अरे मुझे कैसे पता होगा, मैं तो हिंदू हूं हिंदू। आप मुसलमान होकर आपको नहीं पता कि जिहाद क्या है? कुरान में क्या लिखा है? कुरान में ऐसा कुछ नहीं लिखा है शर्मा जी, सब सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लिया आपने। हाँ कुरान कहता है जिहाद का मतलब है लड़ाई, पर इंसान की खुद से बुराई के खिलाफ। अरे लोग मुसलमान होके ठीक से कुरान नहीं समझ पाते, आप तो ठहरे हिंदू। गीता नहीं पढ़ी आपने? गीता? अरे पढ़ी होती तो सच समझते आप। अच्छा कैसे भाई? आपकी गीता में कृष्ण ने अर्जुन से धर्म के नाम पर मरने मारने की बात की। गीता में धर्म की नहीं कर्म की बात की है। दुखेसु अनुद्विग्न मना, सुखेसु विगत स्परा, वितरागा भया क्रोधा, स्थित धर्म मुनिर उच्चयते। श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन। जी प्रभु। दुख से हताशा नहीं
सुख की अभिलाषा नहीं। मनुष्य प्रेम भय और क्रोध से परे हो तो वो ही उत्तम मनुष्य है। गीता में जब धर्म की बात की है तो इंसानों के बनाए हुए धर्म की नहीं, बात की है विजय की, सदाचार की दुराचार पर, उचित की अनुचित पर, सत्य की असत्य पर। मतलब पोलिश में गुड डे। क्या आप आज खाने में मेरी रिकमेंडेशन ट्राई करेंगे? कूल विल्फी की नई टेनेंट्स राइट? तमीम बता रहा था उसके रूल्स मत तोड़ना वरना इंट्रोडक्शन नहीं देंगे। आई एम रोसाना, शॉर्ट में रोजी। आई अल्लाह रखा, शॉर्ट में जो तुम चाहो। ईश्वर सिंह शर्मा। हियर यू गो, पोलैंड्स फेमस डिश जिम्याक ज़े स्लेजन। थैंक यू। मैं शाकाहारी हूँ। अरे प्यार से रोजे लाइए भाईजान, तुम भी ना। अच्छा ये लो। थैंक यू। तो क्राकाओ में कैसे? बस कुछ बहुत बड़ा काम करना है। कैसा काम? जब हो जाएगा तो तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा रोजी। तुम्हें क्या, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। क्यों, बम फोड़ोगे? क्या कहना क्या चाहती है आप? मतलब अगर कोई मुसलमान है तो टेररिस्ट ही होगा। सर सब जगह यही सुन रहा हूँ, मुसलमान क्या इंसान नहीं होते? आप तो ज्यादा नाराज हो गए शर्मा जी। अरे नहीं नहीं रूजी, वो भाईजान हिंदू है ना, इनका तो दिल ही ऐसा है, मुसलमानों का भी दर्द ही देखा जाता है इनसे। ओके गाइस, एंजॉय योर मील, आई विल बी बैक। बाय 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 रूजी। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, अब सब खैरियत? अब खैरियत ही तो नहीं है मियां, दिखाइए। भाईजान ये क्या? अब हम मेढ़ा है मियां, आपके यहां रखवाना है। क्यों, अहमक हो क्या? कुछ दिनों बाद ईद है मियां, तब काटेंगे इसे। क्या है ना कि ये कमबख्त विल्फ्रेड मेढ़ा रखना ही नहीं देते यहाँ पे। अब तुम यहाँ नए हो तो किसी को शक भी नहीं होगा। अब मिलते हैं ईद के मौके पर और फिर दावत भी होगी। हैं, अल्लाह हाफिज़। और हाँ ख्याल रखना, बेहतरीन नस्ल का है। हैं, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सीधी साधी
नहीं तिरछी आड़ी, इक्का दुक्का हक्का पक्का धक्कम धक्का नैन मटक्का, दिल जो कहे वही करना है, इस दुनिया से लड़ना 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 है। मारू मरू मैं मन की करूं, आए कोई भी मैं ना डरूं, मेरी कहानी मेरा ही किस्सा, सब मेरा हक और सब मेरा हिस्सा, मेरी असली बाकी फर्जी, मेरी ही सोच और मेरी मर्जी, रुकना नहीं बस बढ़ना है, इस दुनिया से लड़ना 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 है। चाहे जैसे करना है अब तो जैसे तैसे, मेरी है जेब और मेरा ही सिक्का, ताश की गड्डी मैं हुक्म का इक्का, नजर के बट्टू बड़े निखट्टू, मेरी ही चाल पर नाचे लड्डू, अब तो जरा भी नहीं सहना है, इस दुनिया से लड़ना है, इस दुनिया से लड़ना है, से लड़ना है, इस दुनिया से लड़ना है। तेरी पुलिस? ए दादा इनको मिलो। ए बिली बहादुर वाई कार वोंग देख। जीसस एफन क्राइस्ट, what is this, Tamim? Oh, Billy, remove your glasses. It's hole. We can see the hole, Tamim. Why is it in a friggin' roof? Sharma ji, yeah, naya bachcha log, desis, missing home, trying to spend time together. Duplex, cozy, cozy. It's all right. Yeah, spending time together. Planning to bomb the city. Just because he's a Muslim, he's a terrorist, huh? अरे आप खाम खाम परेशान हो रहे हैं भाईजान। अरे आप नाराज हो, ये तो मजाक है। Shut the hell up! Don't be smart. You were right. Every Muslim is not a terrorist. You can also be one. All clear. Don't worry. One day, real terrorists will come. Guess who will catch them and get a promotion? Who? You, my babies, you.
Let's go. हम छोड़ के आते हैं। मलिच, आफत। अब तुम लोग क्लियर है, ऐश करो। क्या बोलो, थक गया? इधर बैठेगा, चलो। भाई साहब आप यहाँ? अरे भाईजान, आइए बैठिए, दो बातें हो जाए। नहीं, फिर कभी, रोज ही याद कर रही थी आपको, चलिए मिलके आते हैं। रोजी? हाँ। अरे चलिए फिर। हाँ, चलिए जल्दी चलिए। अच्छा बोलू। हाँ चलिए, रोजी तड़प रही है मिलने को। अब तो ईद की दावत होगी। अरे ये तो सिर्फ नाम की कुर्बानी है मियां। कुरान में लिखा है कि कुर्बानी तो उसकी होती है जिससे मोहब्बत हो, ताकि जब वो काटा जाए तो ऐसा लगे कि कोई अपना गया, तब होती है कुर्बानी। ये इनकी तरह नहीं कि दो दिन पहले मेड़ा खरीदा और फिर रीत में काट दिया, जाहिल। यस। हमसे बात कर रहे हो? से? हमसे? नहीं, यहां तो कोई नहीं है, तो हमसे बात कर रहा हूं। हमसे? चिंता मत कर बोलू, मैं तेरे और मेरे दुश्मनों को इसी बम से उड़ा दूंगा। जा, आज से तू हिंदू हो गया हिंदू। अब कम से कम मरकर तो तुझे सही स्वर्ग मिल जाएगा। भजन भजन, पकड़ी पकड़ी इसे, हम लोग सोमालिया वो लोग मार डालेंगे इसे। अरे भाई कहाँ रह गए? अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है अल्लाह रखा मियां, भाई माशाल्लाह बड़े जच रहे हो आज तो, हैं? और सेहत भी अच्छी हो गई है भाई, लगता है यहाँ का पानी लग गया आपका है। आइए गले मिले, ईद मुबारक। अरे ईद मुबारक मियां, अरे अरे ईद मुबारक। अरे भाई वो हमारा मेड़ा कहीं नहीं दिखाई दे रहा, क्या बात है, आप खुद तो अकेले काट के नहीं खा गए? भाईजान, मेरा तो ऊपर चला गया। क्या? ऊपर चला गया? ऊपर चला गया? या अल्लाह!
संभालिए, ये क्या हो गया? इतनी अच्छी नस्ल का बेटा था, क्या हो गया? अब क्या करें, जैसे अल्लाह की मर्जी। बोलो बोलो, या अल्लाह, या अल्लाह, कैसा तेरा जलाल है। तेरे बंदों ने तो बूंद आसमाए और तूने बेटा भेज दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कैसा मेड़ा है? गौर से देखिए, इसके माथे पर तिलक है। ये ऊपर वाला हिंदू है ना, इसने इसे भी हिंदू बना डाला। राहुल बिना कुवत, अब ये आफती मेड़ा यहां नहीं रह सकता। निकल यहां से, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर। चलिए चलिए चलिए। अरे पंडित जी, अच्छा हुआ आप यहाँ मिल गए। स्वामी जी रात्रि भोजन पे आपका हमारे इंतजार कर रहे हैं। चलिए। अरे वहां क्या देख रहे हैं, चलिए ना, आइए। सारे गले तो ऐसे मिल रहे थे जैसे बारात में आया हो। अगर सेवैया इतनी अच्छी नहीं होती ना, तो कसम से उड़ा डालता सबको। फिर मनाते रहते ईद। सेवैयों ने बचा लिया जिनको। अरे ईश्वर भाईजान, ईश्वर भाईजान, ईश्वर भाईजान, अरे कहाँ हो, कहाँ गए? वाह, पूरे घर में भगवान का वास है। Thank you.
गुरु घंटाल मेरे चीते चुपरुस्तान। अरे सब जान गए हम। हम भी तो इसी काम के लिए आए हैं। हमारे पास भी एक है, ये देखो, ये हमारा बॉम्ब बनाने का फॉर्मूला। फ्रॉक, चॉकलेट, टॉवल, पिज्जा। अरे हटाओ इसे, ये तो हमारी भतीजी की लिस्ट है। आओ तुम्हें असली बॉम्ब दिखाते। इसका मतलब? अरे इसका मतलब आप और अमीर की तो हैं। अरे पहले पता चल गया होता तो इतनी एक्टिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। साले तुम तो अपने आदमी निकले यार। आप, मैं, हम दोनों। आपने, आपने तो मुझे डरा ही दिया। अब आप सब तो जान ही गए। बस अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से हम दोनों एक हैं, हम चाहते हैं कि तमाम लोग एक हो जाएं। दुनिया के सभी वर्ल्ड रिलीजियस हेड्स को इनवाइट किया हुआ है और वो सब आ रहे हैं फॉर द 13th वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस। अरे हेलो रोजी। You, for you, cheers. अल्लाह रखा भाईजान, शराब है। तो? नहीं वो हम लोग में मना है ना। अरे इनके में चलता है, ये क्रिश्चियन लोग हैं ना, तो प्रसाद समझकर। मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ। मतलब? नहीं, रोजी तो क्रिश्चियन नाम हुआ ना। नाम में क्या रखा है? अरे इनके नाम में ही अल्लाह रखा है और आप कह रही है कि नाम में क्या रखा है? यूं पता चल जाता है कि भाईजान मुसलमान है। ओ, जैसे ईश्वर भाई हिंदू है ना। मेरा कोई रिलीजन नहीं है, है? कोई धर्म नहीं? अरे बिना मजहब के कोई कैसे जी सकता है? सारे रिलीजन्स एक ही बात तो कहते हैं, अच्छा इंसान बनो। और मैं तो हर पल ये कोशिश वैसे भी करती हूं, तो रिलीजन की क्या जरूरत है? आई एम हैप्पी, काफी है ना। चलो आज मेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी है इसलिए कह रही थी पीने के लिए। अरे अब तो मिलवाई उनसे। वो यहां नहीं है। बुरा मान गए रोजी, आप बिना भाईजान कभी कभी बड़े जिद्दी हो जाते हो यार। अरे दो ही दिन तो बाकी है, जाते आते किसी का दिल दुखा दे क्या? इतने प्यार से कह रही थी, कितना ख्याल रखती है हमारा। तू इतना तो कसम से ऊपर वाला भी एडजस्ट कर लेता, कमाल है यार। दो ही दिन तो बाकी है भाईजान, Nasha Zara Sa, khatam ho life ki sari
क्लास, लॉजिक से बकवास, मंडे से फ्राइडे, नॉर्मल से ड्राइडे, बोरिंग से झक्कास, सीरियस से बिंदास, लाइफ क्यों हो ब्लैक एंड व्हाइट, जरा सी मस्ती, नशा जरा सा, खत्म हो लाइफ की सारी फाइट, हैंगओवर पे है सब का राइट, सैटरडे नाइट, फुल टाइट. Retro, modern say retro, gloomy say glitter, chitty say glitter, uncle say auntie tak, portrait say selfie tak, pakdo armano ki flight Saturday night, zara si masti, nasha zara sa, khatam ho life ki sari fight, hangover pe hai sab ka right, Saturday night. किसी को कहते हैं हैंगओवर. और पूरा मत मानना भाईजान, ये बड़े कमजोर रंग लगा रहे हो यार. हरा भी कोई रंग होता है. ये पियो ग्रीन टी. अरे छोड़िए इसे, मजा तो उसमें था जो कल रात को पी थी. अच्छा हुआ जो कल पी ली, अब फिर कभी दोबारा पीने का मौका आएगा भी नहीं. कल आखिरी बार पिया हमने, अब रोजी से भी दोबारा मिलना नहीं हो पाएगा. एक बात पूछूं भाईजान, ये ऊपर मजा तो आता होगा ना? हाँ बिल्कुल. अब मतलब आता ही होगा. मतलब कोई गारंटी नहीं है क्या? किताबों में तो कोई गारंटी नहीं दी है ना. अरे किताबों को छोड़ो, किताबों में तो मारकाट करना भी नहीं बताया क्या? तो फिर हम लोग क्यों? अब बुजुर्गों ने बताया ना तो सच ही कहा होगा. बुजुर्गों ने ये नहीं बताया, ये ऊपर वाले का सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? अरे ऊपर के मजे यही देते थे. अब हो सकता है कि कल रात को जो हुआ वो उसकी मर्जी से हुआ हो, बस वक्त थोड़ा कम दिया. अभी अभी ये सब दिखाया और अभी ऊपर बुला रहे. इतना भी दिल मत दुखाइए भाईजान, हो सकता है वो सिर्फ हमें ही बुला रहा हूं. आप यही रुकिए, बम हम फोड़ेंगे. अरे नहीं नहीं, बम हम फोड़ेंगे, आप यही रुकिए, आपकी रोजी भी तो यही है. आपने इतना कह दिया, बस काफी है, बम हम फोड़ेंगे. नहीं, आपको मैं बॉम्ब फोड़ने नहीं दूंगा, बॉम्ब तो मैं फोड़ूंगा. अरे स्वर्ग जाना है हमें. अरे जन्नत जाना है हमें. अरे स्वर्ग में इंतजार हो रहा है हमारा. और जन्नत में नहीं हो रहा हमारा. अरे क्या जन्नत जन्नत लगा के रखी भैया. अरे ये मुसलमानों वाली बात मत करो यार. अरे अब हम मुसलमान है तो मुसलमानों वाली बात करेंगे. मुसलमानों का तेरा बाप साले. हाँ मेरा बाप मुसलमान है, मेरी माँ मुसलमान है, मेरा पूरा खानदान मुसलमान है. तुम्हारी तरह अल्लाह रखा. अरे कौन अल्लाह रखा? दाढ़ी रख ले तो क्या अल्लाह रखा हो गया? मैं हिंदू हूं हिंदू, मेरा नाम है प्रवीण चतुर्वेदी. और मेरा नाम है हफीज बिन अली. तुझे बस चूरा भोका है तूने मेरी पीठ में. पीठ में मैंने नहीं, तूने चूरा भोका है. मैंने तुझे भाई समझा. नहीं नहीं भी तुम लोग भरोसे के लायक हो ही नहीं.
बम फोड़ेगा ना तू, देखता हूँ कैसे फोड़ेगा बम। ये हरा रंग मुझे पहले से समझ जाना चाहिए था। नीचे रखो, नीचे रखो, बम नीचे रख। मैं तो रखवा के दिखा, बम फोड़ेगा ना अभी तेरे बम के दर्जे उठा दूंगा। ऊपर भेजता हूँ। Not one single scratch. पुलिस को शक है कि इस ब्लास्ट के पीछे दो पाकिस्तानी नौजवानों का हाथ है। खबर मिली है कि उनका नाम है ईश्वर चंद शर्मा और अल्लाह रखा खान। इन नौजवानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और जब तक इन पर मुकदमा न चले उन्हें क्रैकाओ के मर्सी वेस्ट हॉस्पिटल में रखा गया है। चलो चलो। लोग भी है यहाँ। Are you mad? Mad तो वो लोग निकले, बम फोड़ दिया, टेररिस्ट साले। तुम्हें कैसे पता कि वो टेररिस्ट है? तो क्या बम खुद ब खुद फट गया? तुम्हें बहुत पता है टेररिस्ट के बारे में? हुँ? उन दोनों के बारे में पता है। I have nothing to confess. I'm not a terrorist. Those two Desi rats, they have to confess. You would have had the confession. We could have been promoted. Instead of that, we might lose our job. Listen. No. Listen. I have a plan. What plan? If I help them escape, and you catch them, become the hero. Who? You, really? गुरुजी करकाऊ पहुंच गए हैं, सब ठीक हो जाएगा। जय मां कतल, जय मां कतल। दिखा दो साले को। हफीज भाई पहचाना? हातिम, अस्सलाम वालेकुम हफीज भाई। अरे घबराई मत, मैं आ गया हूं ना भैया। आप आराम करें। क्या हफीज भाई, इतनी बेसब्री हूरों से मिलने की, बम पहले ही फोड़ दिया है? पर घबराओ मत, मिशन पूरा होगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जुल्फी
जुल्फी बम फोड़ेगा कॉन्फ्रेंस में। बड़ा बेचैन था, अब अजय ने बोला जा बेटा तू मिशन पूरा कर ले। कहने लगे कि इससे पहले दुश्मन हफीज का मुंह खुलवाए उसे जन्नत पहुंचा दो, इसलिए मैं यहां आ गया। अरे मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूं। इसमें हवा भरी है, हवा, एयर बबल, बड़े खुश नसीब हो आप जन्नत जा रहे हो। Transfer car has arrived. We need to move the terrorist to court. हाँ भाईजान, बस बस हो गया। बस अरे अरे भाईजान, अरे अरे भाईजान, You are trying to kill me. Da, why, sweet Papa Ganoush, he killed terrorists like you? He's murderer. By the way, you two brownies, you know each other? No, I do not know this man. Come on, you are going behind bars. मुझको कुछ भी पता नहीं था, वक्त बड़ा ही अच्छा था, मेरा कोई धर्म नहीं था जब मैं छोटा बच्चा था, फिर एक मजहब मिलते ही मेरा बचपन छूट गया, दूजे धर्म का दोस्त वो मेरा, उससे रिश्ता टूट गया, वो जिंदा है या मर गया उसका कोई जिक्र नहीं, नहीं ईश्वर मौला मेरा, मेरा मौला ईश्वर नहीं, नहीं ईश्वर मौला मेरा, मेरा मौला ईश्वर नहीं, अल्लाह अल्लाह हे राम राम राम, अल्लाह अल्लाह हे राम राम राम, जंग की तैयारी में हूँ गीता कुरान पढ़ के, जो वक्त बच गया वो मैं काटूंगा तुझसे लड़के, मेरी तो बस ये फितरत हथियार में धरूंगा, जन्नत हो या जहन्नम व्यापार में करूंगा, होगी ये दुनिया खूबसूरत मुझको तो खबर नहीं, नहीं ईश्वर मौला मेरा, मेरा मौला ईश्वर नहीं, नहीं ईश्वर मौला मेरा, मेरा मौला ईश्वर नहीं। मैं बॉम्ब फटने नहीं दूंगा, हमारा बॉम्ब फटेगा, एक बार आने दे मेरे लोगों को। कोई नहीं आने वाला, मुझे आना पड़ा जान पे खेलकर। अरे तमीम भाई, तुम तो बड़ी कुत्ती चीज निकले। भाई नहीं बोलने का, भाई नहीं बोलने का, साला टेररिस्ट। तुम लोगों की वजह से मुसलमान का नाम खराब होता है, अब भी बम फोड़ने की बात करता है, बेशरम। अरे वो सब छोड़ो, तुमको भेजा कौन? चुप, सब कुछ बाद में बताएगा। गाड़ी रोक तमीम। क्या हुआ? मैंने कहा गाड़ी रोक तमीम। हे तुम सारा देसी लोग, इधर नहीं मुतरेगा, मैं बम फटने नहीं दूंगा। गाड़ी रोक, सब कर। बच्चा कहाँ था? मैं भगा के ले जा रहा था वो।
कहां जाता भाग के? अरे कहीं भाई, अपने लोग सब जगह है। अपने लोग आए थे मेरे, अपने लोग मुझे मारने, और आज नहीं तो कल तेरे भी आएंगे। मेरी जगह कोई और जा रहा है, वहां मुझे उसे रोकना होगा। अब ना हमारा बम फटेगा ना तुम्हारा। तुम में हम में हर आदम में हर खुशी में रंजो गम में घुंघरू में पायल की छम में सजनी में उसके बालम में पढ़ूं वो कलमा है। तू दुख्तर है, तू ही माँ है। मेरी रूह तो ऐसी चूमी है, मेरा नाम आज से रूमी है। ईश्वर भाई, ईश्वर भाई। हफीज भी अली। हाँ हाँ हफीज भाई, भैया आंखें खोल दी तुमने हमारी, हम तुम्हारे साथ हैं, बोलो क्या करने क्या वाले? कुछ भी करो, सरेंडर कर दूंगा, पुलिस को सब बता दूंगा। अरे और पुलिस तुम्हारी बात मान लेगी? हाँ भैया टेररिस्ट हैं हम, मैं खुद ही कुछ करना होगा। आओ बैठो। नहीं तो क्या पैदल जाओगे? अरे जब तक पहुंचोगे तब तक बम फट भी चुका होगा। हफीज भाई आ जाओ ना, साथ मिलकर रोकेंगे। मैंने कहा ना नहीं। अरे हफीज भाई देखो, अकेले ना हो पाएगा हमसे। तू है तो सब है भरा भरा, तू है तो फिकर नहीं, नहीं ईश्वर मौला मेरा, मेरा मौला ईश्वर नहीं। He is not coming, he is here. ये लो, ये पहन लो, हम भी अपना हुलिया बदल कर आते हैं। कदल गुरुजी। अरे लोग तो चेहरा छुपाने के लिए मेकअप लगाते हैं, हम तो उतार ही दिए। चले भाईजान। ले रहा हूँ यहाँ, प्यार से दे रहे हैं, भूख लगी है ना, खा लो। शुक्रिया साथ आने के लिए। तुम बिना हफीज भाई, भाई बिना मतलब के इमोशनल हो जाते हो यार। एक बात पूछे, ये यू टर्न कैसे मार दिया तुम? प्रवीण भाई कुरान तो हम आपसे समझ गए और गीता का सार हम पहले ही समझ चुके थे,
आखिर में जलाओ चाहे गाड़ो, जाना तो एक ही जगह है। हम यहां लोगों की जान बचाने जा रहे हैं और तुम मरने मरने की बात कर रहे हो यार। मैं कॉल सेंटर में काम करता था। कॉल सेंटर? भाई हम तो ठहरे एक्टर आदमी, भीड़ लगती है हमारे लिए, कभी आगे देखना हमारा जलवा, एक बारी खड़े होकर डायलॉग बोल दिया ना तो सुनाए। हे रावण, जिसे तू मात्र एक स्त्री समझ रहा है वो एक देवी है मूर्ख, मां सीते ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। जय श्री राम। कागज से देख के नहीं बोलना है कमबख्त, उर्दू में लिखा था ताकि तुझे याद हो जाए। अब्बाजान, या अल्लाह, हफीज होता तो अंग्रेजी में बोलता। अब्बाजान, जन्नत के मजे यही ले रहे हो? ये दिखाओ जन्नत तेरे को यहाँ पे। पर्दा कर, पर्दा कर। बुरके में बम। अब्बाजान क्या आइडिया है? हफीज की कुछ खबर नहीं? अब्बाजान छोड़ो उसे, वक्त बहुत कम है, चल बेटा, चल चल। बाबू उठा, उसे उठा यार। कौन है? उधर से बम सलामत। सलामत सीधा जाओ। हम आज साथ। हाँ चलो चलो। दुश्मन भी आया है, आज लिटाएंगे इन सारों को। कॉन्फ्रेंस के लिए? जी हाँ, शांति के लिए हो रही है कॉन्फ्रेंस, तो आना ही था। हम भी उसी के लिए आए हैं भाई, अमन की चाह किसे नहीं। चाह लीजिएगा डार्ट कोला। तुम वक्त नेटवर्क नहीं आ रहे। कहाँ स्मार्टफोन के जमाने में बाबा आदम का टाइपराइटर यूज कर रहे हैं आप इमाम साहब, ये दिलवाते हैं आपको? Welcome to the conference, madam. You can join the others right there. Poor? Please. Madam, please this way. I will help you. Abbaajan! Alert, alert. Car spotted. Terrorists running to city. Yes! Yes! This is our chance to save the world! चाहिए तो सूरज लेके आना, मैं मालिक मेरी मर्जी का ना सिखलाना, बंदा रहा
मरने से जन्नत मेरी जिद है जीने की। बंदा रहा नहीं मैं नादा मेरी जात कमीने की। सब कहे मरने से जन्नत मेरी जिद है जीने की। क्या करें? जुल्फी को जल्दी पकड़ना जरूरी है। तुम उधर देखो, हम इधर देखो। क्यों साहब इस बार साथ में काम कर रहे हैं, देखिए बाकी सब तो ईश्वर के हाथ में। हफीज भाई वो कोई आ रही ये बम अच्छा वो हम आगे और ये सामने से हट जाओ। बहुत बुरा एक्टर निकला तू, कोई भी पकड़ लेता। जाने दे मुझे। बहुत जल्दी है तुझे। किससे लगा बदला? कौन है हमारा दुश्मन? नाम पता उसका, शक्ल देखी उसकी, बस निकल वाला पतला लेने साला। निकल तो बातेंगे। सच कह रहे हो? ट्रिगर तो पाते क्या? रोक कौन रहा है? दबा।
जानते हैं तुझे कैसे ऑर्डर देता है। रविंद्र चतुर्वेदी, तुम किसी को नहीं मार सकते। अरे बकरे को नहीं मारने दिया तुमने, अरे इतने लोगों को मारने चले। अरे जो लोग अपना अपना कहकर हमसे काम करवा रहे वो अपने लोग नहीं है। अपने लोग वो है, वो बच्ची जो तुम्हारा इंतजार कर रही है। खिलौने मंगवाए थे ना उसने, अपनों के पास लौट जा मेरे भाई। From the Shankaracharya and the Imam before we proceed to the main conference hall. हट बे, अभी उड़ा देता हूँ इन सबको। नमस्कार। अस्सलामुअलैकुम। इस मुबारक जश्न में आप सबका इस्तकबाल है। मोहतरमा आपकी भी इस्तकबाल है, आइएगा आइएगा। दोस्ती है। हेलो। क्यों आया हूं मैं यहां बुरके में? सुल्फी, मैं ऐलान करने आया हूं कि क्या ऐलान करने आया हूं? जिसे रोकना होगा कि दुनिया में सिर्फ एक ही मजहब है, हम सब उसी मजहब का हिस्सा है। हम सब उसी मजहब से निकले हैं और एक दिन उसी मजहब में मिल जाएंगे। इस मजहब ने जोड़ कर रखा है, हर मजहब को इस मजहब के सामने झुकना होगा। Something's not right. आज मैं बात साबित कर दूंगा। अंदर कहां से आ गया? अंदर चलो, ये क्या भौंकाल है? रविंद्र को कोई खतरा तो नहीं है? चलो रे, चलो चलो। I understand that, sir, but the presence of authorities here goes against the spirit of the conference. There are terrorists inside. There's no racist, sir. Sir, sir, stop. Stop! Surrender, terrorist! He has a bomb! Everybody get down! Everybody get down! नहीं, नहीं। अरे ये तो अपना हैरल्ड है, ये पोलैंड कैसे पहुंच गया? नहीं, नहीं। अभी नहीं बेटा, आराम से हम निकल जाएं फिर। हाँ। क्यों? आपको नहीं चाहिए जन्नत? साथ चलेंगे आप बचा? नहीं बेटा, नहीं। अरे अरे चुप जाइए सर। Oh my Lord, forgive us our sins. Save us from the fires of hell. Oh dear God, save us from these terrorists. चुप, चुप। मैं टेररिस्ट नहीं हूँ।
नहीं हूं मैं टेररिस्ट। हो गई बात ऊपर, ये ऊपर वाला जो भी है बात कैसे करता है आपसे? फोन करता है, ईमेल लिखता है, कुरियर भेजता है, कैसे करता है? और इसे जो भी कहना है सीधा कह देगा हमसे, ये एजेंटों की जरूरत नहीं है उसे। अब एक आतंकवादी हमें ज्ञान दे रहा है, कौन सुनेगा तुम्हारी बात? हमने सुनी है। प्रणाम गुरुजी, मजे में? अरे इनको मत पूछना हफीज भाई, साथ लेके चलेंगे स्वर्ग। क्यों गुरु जी? आंटी जल्दी से टीवी ले आइए, प्रवीणा की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। प्रवीण? अरे ठहरो भैया, बंदूक से डरा रहे हो? बम फोड़ देंगे ये। नीचे करो इसे, बात हो रही है ना? टॉकिंग, तुम बोलो हफीज भाई, सुनेंगे कैसे नहीं सारे? अब किससे क्या बोले भाईजान? एक हिंदू है, एक मुसलमान है, एक ईसाई है, और एक आप। कौन सा धर्म है आपका पता नहीं? अरे इतने धर्म के गिन नहीं सकते। जो भी धर्म है आपके, ये सिर्फ दरवाजे हैं, किसी से भी अंदर चले जाए, जाना तो एक ही घर है ना। अबे तेरी, 4231 धर्म है दुनिया में, और हम सब अपने ही धर्म का ढोल बजा रहे हैं यहां पर, बताए क्यों? साला अपने स्कूल में किसी और धर्म का लौंडा था ही नहीं, कैसे जानते उसके बारे में? आप हमसे ना डरिए, हम सिर्फ जरिया है। आप उस जहर से डरिए जो हम अगली पीढ़ी के दिमाग में भर रहे हैं। अगर मेरा बच्चा मरता है तो मेरी कोशिश यही होनी चाहिए कि किसी और का बच्चा ना मरे, लेकिन नहीं, मैं आ गया बम फोड़ने, बदला लेने, मजहब के नाम में। जनाब मजहब कोई भी जीते, हारता इंसान ही है ना। मैं तुम बनता हूं, तुम मैं बन जाते हो, तो हम तुम एक दूसरे को बेहतर समझ पाते। ये एक दूसरे को समझने का फासला ही तो तय करना है। ये आवाज हमारे अंदर ही है, सुननी पड़ेगी। मैंने सुनी है, इसने सुनी है। पुलिस जिन दो नौजवान
वालों को आतंकवादी समझ रही थी, उन्होंने असल में अपनी जान देकर औरों की जान बचाई है। The explosion has taken away the part of the building, along with the terrorist and two young men who have saved the pillars of the world religion today. उन दोनों का इस तरह से जाना बड़ी दिल दुखाने वाली बात है। उनकी ये कुर्बानी जाया नहीं। Useless bomb. Must be Chinese. Watch out! मुझको कुछ भी पता नहीं था, वक्त बड़ा ही अच्छा था। मेरा कोई धर्म नहीं था जब मैं छोटा बच्चा था। फिर एक मजहब मिलते ही मेरा बचपन छूट गया। दूजे धर्म का दोस्त वो मेरा, उससे रिश्ता टूट गया। वो जिंदा नहीं, ईश्वर मौला मेरा, मेरा मौला ईश्वर नहीं। नहीं ईश्वर मौला मेरा, मेरा मौला ईश्वर नहीं। अल्लाहू अल्लाहू हे राम राम राम, अल्लाहू अल्लाहू हे राम राम राम।
कुरान पढ़ के जो वक्त बच गया वो मैं काटूंगा तुझसे लड़के। मेरी तो बस ये फितरत हथियार मैं धरूंगा, जन्नत हो या जहन्नम व्यापार मैं करूंगा। होगी ये दुनिया खूबसूरत मुझको तो कदर नहीं, नहीं ईश्वर मौला मेरा, मेरा मौला ईश्वर नहीं, नहीं ईश्वर मौला मेरा, मेरा मौला ईश्वर नहीं। तुम में हम में हर आदम में हर खुशी में रंजो गम में घुंघरू में पायल की छम में सजनी में उसके पालन में तू ही तू है, तू ही तू है। दिन रात पढ़ूं वो कलमा है तू दुख्तर है नहीं ईश्वर मौला मेरा, मेरा मौला ईश्वर नहीं, नहीं ईश्वर मौला मेरा, मेरा मौला ईश्वर नहीं। हमको हम तो हीर पड़ेंगे, इश्क चाशनी से हम अपने दिल के कुएं भरेंगे। अरे और नहीं कुछ पढ़ना हमको, हम तो हीर पड़ेंगे, इश्क चाशनी से हम अपने दिल के कुएं भरेंगे। जब भी उसका हम हौले से हाथ जरा पकड़ेंगे, लाइफ के बैकग्राउंड स्कोर में सेंटी वायलेंस बजा करेंगे। दिल की मान के सीना तान के इश्क करेंगे, इश्क करेंगे। दिल की मान के सीना तान के इश्क करेंगे, इश्क करेंगे, इश्क करेंगे, इश्क करेंगे, इश्क करेंगे, इश्क करेंगे। दिल की मान के सीना तान के इश्क करेंगे। तू भी देख ले यारा हमारे साथ में चल के, ऐसा आएगा एक दिन हर कोई गाएगा एक दिन, जो तुझसे लूट के बैठा वो घर पे आएगा एक दिन। जिन गलियों से वो गुजरेगा दिल अपना रख देंगे, फ्लैश बल्ब ले उसकी राह तकेंगे। दिल की मान के सीना तान के इश्क करेंगे, इश्क करेंगे। दिल की मान के सीना तान के इश्क करेंगे, इश्क करेंगे, इश्क करेंगे, इश्क करेंगे, इश्क करेंगे, इश्क करेंगे। दिल की मान के सीना तान के इश्क, इश्क करेंगे। जिधर देखूं हम बस तू है, मैं तो झूम के नाचूं खुशी का आलम हर सू है। ये तेरे हाथों की नरमी, ये तेरी बातों की नरमी, गले तेरे जो लग जाऊं तो मैं और जून की गर्मी। और चारों में हम थोड़ी सी धूप जरा देखेंगे, हैप्पी शादी एंड होगा सनसेट सन देखेंगे। दिल की मान के सीना तान के इश्क करेंगे, इश्क करेंगे, इश्क करेंगे, इश्क करेंगे, इश्क करेंगे, इश्क करेंगे। दिल की मान के सीना तान के इश्क करेंगे। ना तेरा है ना मेरा है ये जग तो रैन बसेरा है, ये काली रात जो जाए तो फिर उजला सवेरा है। हाथ में प्यारे की बंधन तोड़ दे सारे, कि तू आजाद हो जाए हो तेरे चांद और तारे। सच कहते हैं हम तो जब भी कोशिश जरा करेंगे, स्लो मोशन में विद इमोशन लाखों फूल झड़ेंगे। हम बंदे हैं
तान के सीना तान के इश्क करेंगे इश्क सोनिए इश्क करेंगे इश्क करेंगे इश्क करेंगे इश्क माया इश्क करेंगे इश्क करेंगे इश्क करेंगे